जय श्री राम दोस्तों, आप सभी को हमारे एक नए वीडियो पर फिर से स्वागत है दोस्त। तो दोस्त, आज के इस वीडियो में हम कुछ बात करने वाले हैं सहारा इंडिया के ऊपर, जो 2019 से लेकर के 2024 तक ये हमारी जो कंपनी जो थी सहारा एक परिवार, ये इन्होंने अभी तक ले बंद पड़ी है। तो जैसे में क्या है दोस्त, 2024 के जो हमारे लोकसभा का जो चुनाव था यानी कि खत्म हो गया, यहाँ तक कि रिजल्ट भी आ गया, सरकार भी बन गया। जिसका हम लोग सरकार चाह रहे थे उसका सरकार भी बन गया। अब हम लोग कुछ मांग करने के लिए चाहते हैं कि हमारे जितने भी सहारा इंडिया में जो भी पैसा हमारे ग्रामीण जनता लोग को जो पैसा फंसा हुआ है, इस पर कम से कम सरकार ध्यान दे। क्योंकि क्या है कि अगर इस पर अगर ध्यान नहीं रहेगा तो हम गरीब लोग मर जाएंगे। हम गरीब लोग जितने भी लोग हैं जो आरडी खाता में पैसा जो जमा किए हैं, 10, 20, 50, 100 करके हमने 10-20 हजार जमा किए हैं, हम लोग मर जाएंगे। क्योंकि क्या है कि हम लोग छोटे रोजगार हैं, हम लोग बड़े रोजगार नहीं है, हम लोग छोटे रोजगार हैं। हम लोग चाहते हैं कि हमारे जितने भी सहारा इंडिया में जो भी पैसा ग्रामीण जनता लोग को जो पैसा फंसा हुआ है, उस पर सरकार कम से कम ध्यान दे करके उस पैसा को कम से कम निकलवा दे। क्योंकि क्या है कि अभी 2024 के हमारे जो लोकसभा का जो चुनाव था, चुनाव भी खत्म हो गया, प्लस में यानी कि गिनती भी खत्म हो गया, रिजल्ट भी आ गया सामने। अब लगता है कि हमारे सत्ता में सरकार भी आएंगे। अब सरकार से हम लोग मांग करने के लिए चाह रहे हैं कि 2024 में कम से कम लास्ट जा तक ले, कम से कम हम लोग को जितने भी सहारा इंडिया में जो भी पैसा है वो कम से कम निकलवाने का काम करें। अब चलते हैं कुछ और बात करते हैं सहारा इंडिया के ऊपर। जैसे मैं क्या है दोस्त, 2019 से लेकर के 2024 तक जो कंपनी आज तक बंद पड़ी रह गई, इस पर कोई सरकार को ध्यान नहीं दिए। बाकी आज हम इस वीडियो के माध्यम से सरकार को कहना चाहते हैं कि कम से कम गरीब लोग पर कम से कम ध्यान दे, जो हमारे सहारा यानी सहारा में पैसा जमा है उस पैसा को कम से कम निकलवाने का प्रयास करें। क्योंकि क्या है कि अगर पैसा अगर नहीं वापस आता है तो हम लोग को बहुत ज्यादा दुख और दर्द होगा। क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा दुख और दर्द झेल चुके हैं। क्योंकि क्या है कि हम लोग आशा और विश्वास करके सहारा एक परिवार यानी कि सहारा इंडिया में हमने पैसा जमा किया था। तो जैसे मैं क्या दोस्त, एक मेरा ही नहीं था, पूरे ग्रामीण जनता लोग का पैसा था। तो अब आपकी सरकार बन गई, अब आप चाहिएगा तो आप अपने सुप्रिया से, वो तो डेट कर गए, अब उनके जो भी कोर्ट मैनेजर जो भी चल रहे होंगे, जो सरकार होंगे, उनसे आप बात कर सकते हैं। क्योंकि देखिए क्या है कि हमारे सहारा इंडिया में बहुत सारे गरीब लोग का जो पैसा फंसा हुआ है उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो अब ध्यान देना भी पड़ेगा तो सरकार को देना पड़ेगा। क्योंकि देखिए क्या है कि गरीब लोग और आम आदमी लोग इस विषय में कभी भी आवाज नहीं उठाने पाएंगे। जब भी उठाना पड़ेगा तो सरकार को उठाना पड़ेगा। तो हम सरकार से यही निवेदन करना चाहते हैं कि कम से कम जितने भी हमारे ग्रामीण जनता लोग को जो सहारा इंडिया में जो पैसा फंसा हुआ है, इस पैसा को कम से कम लौटाने का प्रयास करें। और जितने भी जितना जल्द बन सके इस कंपनी को चालू किया जाए। इस कंपनी को चालू करने से फायदा बहुत चीज होता है कि हमारे देखिए, अगर मान लेते हैं कि एक वर्कर उसमें अगर काम करता है तो उसके घर में चार बच्चे लोग यानी कि चार बच्चे लोग अभी एक परिवार उसके बैठ करके खाते हैं, यानी कि एक के साथ यानी कि घर में पांच पांच लोग उससे पोसाते हैं। तो उस पर आपको कम से कम ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि देखिए क्या है कि हमारे झारखंड राज्य या बिहार राज्य यूपी, ये जितने भी हमारे राज्य हैं, सभी राज्य के लोग पैसा उस कंपनी में जमा किए हैं और पैसा को आशा करके रखे हैं, विश्वास करके रखे हैं कि इस बार हमारे 2024 में हमारे जो लोकसभा का जो चुनाव होगा, चुनाव के बाद हमारे सत्ता में सरकार आएंगे, माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, उन्होंने हमारे जो भी सहारा इंडिया में जो पैसा फंसा हुआ पैसा को कम से कम वापस दिलाएंगे। तो इसको यानी कि आपको तोड़ना नहीं है, जो भी हम कर रहे हैं कम से कम इस बात को कम से कम गैर करके यानी कि गौर करके दिल पर हाथ रख करके इसको कम से कम आप वापस दिलाने का काम करें। क्योंकि क्या है कि अगर मान लेते हैं कि अगर सरकार अगर आपकी तो बन गई, बाकी आप अगर चाहिएगा तो हम लोग का पैसा वापस हो जाएगा। तो अगर जितने भी चैनल पर लोग हमारे वीडियो को देखते होंगे, अगर वीडियो अगर अच्छा लगता होगा कि हम सरकार से अच्छा अच्छा मांग किए, तो चैनल को तो सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा और बेल आइकन को तो प्रेस करना ही पड़ेगा। और एक प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और इस वीडियो को इतना ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है कि ताकि ये वीडियो कम से कम हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय हमारे अमित शाह जी के पास कम से कम वीडियो को पहुंच जाए। तो चलते हैं दोस्त, वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कुछ और हम लोग को जो मांग रहेगा हम लोग मांग करते रहेंगे चैनल पर। चलते हैं, हम वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक से जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।